हेलो एवरीवन, मेरे गेयर लाइव विचारी में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये इस पर है क्योंकि हम मेरे पास एक छत पे थोड़ी सी जगह, लेकिन फिर भी उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितनी, कम से कम 400 से कम नहीं होंगे, छोटे बड़े 2 इंच से लेके और मेरे 18-20 इंच तक गमले पूरी छत पर आए हुए हैं। एक छोटी सी छत है तो, और देखिए मैंने कैसे एडजस्ट किए हैं। अगर आपके पास भी छोटी सी छत है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, हम गार्डन अपना बना सकते हैं। और मैंने अभी बिना ही स्टैंड के बनाए हुए हैं और मैं अभी कुछ समय के बाद स्टैंड भी लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने बिना स्टैंड के भी कितने सारे गमले रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। देखो ये टोपायरी बनाई थी मैंने भोलेनाथ जी की, ये भी कितनी सुंदर यहाँ पर एंटर में, ये कमरे के एंटर में रखी हुई है। और यहाँ पे एक छोटी टोपायरी बनाई थी बहुत रोज की, वो भी है। तो ये देखिए, और ये प्लांट पे रखे हुए कुछ ऐसे हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल जगह यहाँ से साफ़ कर दिया, पहले कितना सारा यहाँ प्लांट था तो सब ढंग से एडजस्ट किया हुआ मैंने। ये देखो तो इसमें फ्लोवर वाले हैं और सभी तरह के प्लांट हैं इसमें, रंगीन पत्ती के क्या, ग्रीन पत्ती के क्या, सभी तरह के हैं। तो ये देखिए ये रियो प्लांट कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लगता है लुक इसका। तो हम एक बड़ा गमला रखें और बीच में ये छोटे छोटे रख सकते हैं। जैसे ये देखो ये मनी प्लांट का है और यहाँ पे फिर रियो प्लांट का है और ये मेरे, ये फिर बड़े एक कॉर्नर है ये मेरा। तो ये देखिए इसमें सिंगोनियम है और ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे कोलियश भी रखे हैं काफ़ी सारे। तो ये भी एक काफ़ी इसमें खूबसूरती आती है देखो कॉर्नर में। तो यहाँ मैंने खाली किया हुआ एक रास्ता दिया हुआ यहाँ से और फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ। और ये देखो हम खिड़की में भी आराम से रख सकते हैं कितने सारे प्लांट। ये देखिए, ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये। और इधर भी एक खिड़की है मेरी विंडो, तो यहाँ पे भी देखो अलग अलग मनी प्लांट रखे हुए मैंने। और फिर उसके बाद ये गार्डनिया का प्लांट है तो इसकी मैंने कटिंग भी लगा रखी है। तो ये देखो यहाँ एडजस्ट किया हो और यहाँ इधर ये सारे कितने सारे प्लांट मैंने ये एडजस्ट किए हैं, छोटी सी जगह है। और ये फल फ्रूट वाले के भी रखे हुए हैं ये देखो। तो और ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये कितने सुंदर हैं सारे। और ये फर्न भी है तो क्योंकि प्लांट बहुत सारा है इसलिए मैं नाम नहीं बताऊँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि 300-400 के बीच में गमले हैं तो मैं सभी दिखा रही हूँ। तो ये चमेली है, ये देखो कैसे एडजस्ट किए हैं। बस मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ कि छोटी जगह में हम इतने सारे गमले कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपने निकलने के लिए जगह भी, रास्ता कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये कलरफुल वाले भी हैं और यहाँ देखो ये ड्रेसिना का और यहाँ पे ये बेबी डॉल का, चाइना डॉल भी बोलते हैं इसको। ये देखो कितने सारे ये प्लांट मैंने रखे, ये फूल का है। तो ये मिर्ची भी लगा रखी है यहाँ पे और ये देखो ट्रम्पेट का। तो और यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइन दी है, ये बड़ी लाइन दी है मैंने ऊपर ऊंचाई पे, तो जिससे अगर हम छोटी नीचे बड़े देते यहाँ पे तो ये हमारे लगते हुए रहते रास्ता में, फिर इतना नहीं मिल पाता जितना हमें स्पेस चाहिए निकलने के लिए। तो 2 फुट का तो कम से कम चाहिए, 2-3 फुट का, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर स्पेस रखा हुआ है। तो ये देखिए बड़े बड़े मैंने जितने मेरे हिबिस्कस के, तो एक को यहाँ एडजस्ट किया और एक यहाँ है और एक यहाँ पे, ये छोटा है तो इसको मैंने नीचे ही रख दिया। और ये भी छोटा है, ये भी मैंने नीचे ही रख दिया। तो ये छोटे छोटे मैंने नीचे रखे हुए। तो ये भी देखो रियो प्लांट है और यहाँ पे ये देखो ये भी हिबिस्कस का बड़ा गमला है, तो मैंने इसको ऊपर रखा जिससे ये जगह जो है यहाँ पर नीचे अगर रखते तो जगह ज़्यादा घेरता है इसलिए ऊपर रखा है। और ये भी हिबिस्कस का है, तो मेरे पास हिबिस्कस के बहुत सारे हैं ये देखो। तो मैंने सारे कुछ यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, एक ये है और ये छोटा है तो इसलिए नीचे रखा, एक यहाँ पे रखा। और ये ग्रीन ग्रीन मेरा जैसे, और यहाँ पर मेरा ये ग्रीन है तो इसमें मैंने एक ये लाल पत्ती वाला कलर वाला तो यहाँ पर एडजस्ट किया है कॉर्नर में। तो ये ऐसे भी अगर हम रखते हैं तो ये सुंदर लगते हैं देखो, ग्रीन के बीच में। और एक रेड का भी रखा हुआ मैंने,
रेड पत्ती का, तो ये भी सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये कनेर का है, ये देखो हाइब्रिड है, तो ये फैला हुआ है, बूशी प्लांट है, तो इस पर बहुत सुंदर फूल आता है। और यहाँ ये मेरा एलमंडा का है, ये अलग कलर के हैं, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, ये एलमंडा में भी बहुत सारे कलर हैं। और ये देखिए, ये हिबिस्कस के भी इतने बड़े बड़े हैं, ये खिल रहे हैं, तो ये कोई ना कोई इतने सारे हिबिस्कस हैं मेरे, और किसी न किसी पे मेरे यहाँ बने रहते फूल, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए, ये एलमंडा के मैंने कुछ इधर रखे हैं और कुछ मैंने ये इधर रखे हैं। ये एक ये कलर मेरे पास बहुत सारे हैं, आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, और एक यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है ये मैंने, तो ये बहुत सुंदर सुंदर है। एलमंडा के कम से कम मेरे पास 5-6 कलर हैं, तो अभी पूरे एक साथ नहीं खिल पा रहे। और यहाँ ये देखिए, इसके बाद मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, ये यहाँ से, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला है, एक्जोरा का है रेड, ये भी फूल खिल रहे हैं इसके तो। और यहाँ पे भी अलग अलग तरह के हैं मैंने रखे हुए हैं, और लिलीज भी रखी हुई है, और ये गुलदाउदी रखी है, ये अमरूद भी रखा है, देखो कितनी जल्दी बता रही हूँ, ये छोटी पत्ती वाला है, बड़ा अमरूद आता है इसमें, तो इसको चाइना अमरूद बोलते हैं। और ये पोल्का डॉट रखा है, हालांकि मैं पोल्का डॉट यहाँ नहीं रखूँ, क्योंकि ये अभी बादल थे तब रख दिया था, और इसको मैं धूप में नहीं रखूँगी, थोड़ा सा इसको छाँव में रखूँगी। और यहाँ पर मेरा ये देखो, ये मधुकामनी का बड़ा सा है, उधर मेरा देखो चमेली का है पीछे, और यहाँ पे भी इतनी जगह में भी बहुत सारे प्लांट रखे हैं मैंने। ये देखो, ये मधुमालती का है, बहुत सुंदर फूल आता है इस पर, तो ये देखो कितने सारे प्लांट मैंने एडजस्ट किए हैं। ये देखो, ये तुलसी है, ये जो ये विदेशी तुलसी है, तो ये खाने में काम आती है। और यहाँ ये केव है वाटर केव, यहाँ पर कटिंग उटिंग बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, ये देखो एडजस्ट कर रखी है मैंने कितनी सारी, तो ये मैं ये दिखाना चाहती हूँ मैंने छोटी सी जगह में भी कितना सारा प्लांट एडजस्ट किया हुआ है। ये पिलू मेरिया है, इस पर अभी फूल नहीं आए, तो यहाँ मैंने ये सारे ही इतने सारे प्लांट रखे हैं, ये देखो। और ये बड़ी पत्ती के, छोटी पत्ती के, ये सभी तरह के, और हमारे ये बिनका के वाइट कलर के, बहुत सारे देसी भी हैं और उसमें हाईब्रिड भी हैं, बहुत सारे हैं। तो एक यहाँ पर ये देखो मैंने ये रखा है ट्रम्पेट का, तो इस पर भी फूल आए थे, अभी कलियाँ आ रही हैं इस पर देखो, तो ये बहुत सुंदर कलर वाले ट्रम्पेट हैं मेरे पास 4-5 कलर के। तो ये देखिए, मैंने जल्दी जल्दी आपको कितनी जल्दी जल्दी ये सब बताया है, इतना सारा एरिया, ये पूरा जंगल बना है मेरा, मगर हाँ ये अगर हम देखते रियल में तो बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से। और ये यहाँ से एक रास्ता है, इतना इस तरह से दिया मैंने यहाँ से ऐसे करके, तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हम रास्ता कैसे बना सकते हैं देखो। और ये सीढ़ियाँ हैं मेरी, और अभी मैं आपको पहले इधर दिखा देती हूँ कितने सारे गमले हैं, ये देखो इस पर भी अभी, ये जो चाइना हिबिस्कस है और कई सारे नाम है इसके, तो अभी इस पर कलियाँ बन रही है, तो ये देखिए। और यहाँ से मैं ऊपर का दिखा देती हूँ पहले कैसा लग रहा है, ये तरह तरह के गमले, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम जो है छोटी सी जगह में हम गार्डनिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और गमले भी अपने मनपसंद काफ़ी लगा सकते हैं, काफ़ी कलेक्शन लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना सारा ये मेरे पास है, और कई लाइनें बनी हुई इतनी छोटी सी जगह में, ये देखिए। तो मैं इनको कभी एडजस्ट करती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो इस तरह मैं करती हूँ। ये हरसिंगार का है, इतना बड़ा मैंने दिखाया था आपको, इसमें अभी अंडे रखे हुए हैं इसके, उसमें देखो ये घोंसला बनाया नेस्ट उसने। और ये मेरे इतने सारे हैं यहाँ पे, ये कटिंग लगा रखी है मैंने, ये विदेशी तुलसी की, देखो ये चल गई मेरी। और यहाँ ये कैक्टस भी लगाया हुआ है, तो ये मैंने हर तरह के लगाए हुए हैं, ये देखिए ये भी प्लांट फ्लावर है, और ये कितने सारे, ये सारे प्लांट फ्लावर हैं ये सारे, और इन पे भी फूल आता है, और ये खाने के काम भी आता है दोनों। और ये देखिए सारे प्लांट है मेरे पास, तो मैं नाम लेते लेते भी जो है, अगर मैंने नाम ले लिया सबका, तो समझ लीजिए 2 घंटे की यहाँ की वीडियो बनेगी मेरी। और ये देखिए हिबिस्कस मेरे यहाँ भी रखे हैं, एक ये है, एक ये है, इस भी बहुत सुंदर रेड कलर का आता है मैरून, और एक ये है, ये एक ही है, और ये है, और ये देखिए यहाँ मेरे गुलाब रखे हुए हैं बहुत सारे, और मेरा कनेर भी है वहाँ पे, तो एक देखो हिबिस्कस के मेरे पास कितने सारे हैं, वहाँ भी है एक,
और ये देखें, ये अलग अलग फूलों के भी हैं, ये फूलों के ही हैं ज़्यादातर, ये मैंने जितने ऊपर रखे हुए हैं बाउंड्री पे, ये सब फूलों के हैं। और ये हमारा अपराजिता है, ये पेड़ बनाया हुआ है मैंने, प्लांट बनाया हुआ है। तो ये गुलाब है, लाल सा है, ये है सब, ये देखो ये गुड़हल इधर भी रखा, कम से कम गुड़हल की ये हिबिस्कस के मेरे पास 10-12 से कम नहीं है, अलग अलग कलर के, वो भी लाल कलर में भी 3-4 कलर है मेरे पास। और ये देखिए ये डबल छानने का, ये भी खिली रहा है, तो यहाँ ऐसे एडजस्ट किए हुए हैं, देखो मैंने 4-5 लाइन है यहाँ पे इस तरह से लगाए हुए हैं। और ये थूजा प्लांट है, थूजा प्लांट में भी देखो कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, कई सारे हैं इसमें, फूलों के भी हैं इसमें, ये इसी में लगा हुआ है, ये देखो कितना सुंदर जीनिया का है, तो ये भी इसी में ही है। और ये मिर्च का भी इसी में ही है। तो और ये गुलाब के देखो बहुत सारे हैं, कम से कम ये मेरे 15-20 गुलाब के यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं, लेकिन एक एक करके नहीं दिखाऊंगी मैं। जैसे फूल आज मैंने इतने सारे फूल कट किए हैं, इनके बहुत सारे फूल आए थे, तो मैंने इनको सभी को काफ़ी सारा यहाँ से कट कर दिया है, तो बहुत कम है इसमें। तो अभी गुलाब पे जो है इसलिए फूल कम दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा फूल जो है निकाल दिया है, तो बहुत कम छोड़ा है मैंने, कम से कम 25-30 गुलाब मैंने आज निकाले हैं। तो इधर पीछे ये देखिए, तो ये फूल का रखा हुआ है, ये भी तो मोगरा का, कितना सुंदर लग रहा है वाइट कलर का, इतना सारे प्लांट है यहाँ पे। और ये देखिए ये विनिका का है रेड वाला, बहुत खूबसूरत लगता है, इस पर काफ़ी फूल आते हैं इस पर। तो इसको ये ग्रीन है ना यहाँ पे पूरा, तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है, बीचों बीच ग्रीन के बीच में मैंने फ्लोवर एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर ये इस तरह का है। और ये हमारा देखो ये क्रोटोन है, ये डोट डोट वाला पीला बहुत सुंदर है, तो यहाँ ग्रीन और ये कुछ फूल थे, तो मैंने इसके बीच में इसको एडजस्ट किया है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इधर ये देखिए फ्लोवर है मेरे प्लांट काफ़ी सारे यहाँ पे, और यहाँ पे भी है, और यहाँ मिर्च का है, ये देखो ये ट्रम्पेट है, और भी कई सारे, ये लैला मजनू है, इधर से दिखाती हूँ आपको, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। और ये एक्जोरा का है यहाँ पे, ये कितने सारे प्लांट है, ये देखो बहुत सारा है मेरे पास, मैं ऐसे ही आपको देखो दिखाती चली जा रही हूँ। और ये रियो प्लांट है, ये देखो ये पर्पल हार्ट है, और ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे प्लांट है, आपको दिखाई देंगे काफ़ी सारे। तो ये देखो ये सारी ये बास्केट है मेरी, ये सब बास्केट है मेरी यहाँ पे, इस तरह से लगाई हुई है मैंने ये बास्केट, ये देखिए बास्केट में ही प्लांट लगाए हुए हैं, तो ये इस तरह से लगाए हुए हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए ये मदर थाउजेंड, ये इतना फैल रहा है भाई, तो इसका कुछ लुक अलग है, ये देखिए यहाँ से इसकी जो लीफ है, तो ये यहाँ से ये कट है, इसमें घुमावदार है यहाँ से, ये देखो सारी पत्ती में, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय। और ये देखिए अलग अलग ये डेफन पे किया, और ये बहुत सारी अलग अलग मदर्स थाउजेंड के इतने हो गए मैंने, बहुत सारे मेरे पास, तो हर तरह का मेरे पास प्लांट है, बहुत तरह का है। तो ये खाली मैंने ये दिखाना है, ये छोटा एक ओवरव्यू देना है कि हाँ देखो छोटी सी जगह में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो कितनी सारी कटिंग शटिंग सब लगाई हुई है यहाँ पे, इतने सारे प्लांट यहाँ पे है मेरे, ये देखो। और इस लाइन में भी ये देखो कितने सारे हैं, और इधर भी ये देखिए ये कॉर्नर में भी मेरे कुछ हैंगिंग बास्केट लटकी हुई है, ये मोसर हो जाए। और यहाँ पर देखो ये आला मंडा है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत, एक ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, इस पर फूल आते हैं, और अभी फूल इस पर पूरी तरह से खिला नहीं है, ये अभी जब खिलेगा पूरा मैं तब दिखाऊँगी। इसमें बड़ी बड़ी लीफ होती हैं, कितनी सुंदर लीफ होती हैं इसकी, ये देखो। तो हम हर तरह का प्लांट लगा सकते हैं अपने गार्डन में, अगर हमें पसंद है जो वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पीछे बनाई थी, अभी इसकी वीडियो भी डाली थी, और यहाँ पे ये कुछ और भी रखे हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे फिर लुक दिया है मैंने, ये चेंज करती रहती हूँ मैं अपने गार्डन के हिसाब से, जैसे मुझे चाहिए लुक वैसे चेंज कर लेती हूँ मैं। तो ये मैक्सिकम पिटोनिया के यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक मैंने इनको बीच में अरेलिया का डाल दिया है, ये देखिए मैक्सिकम पिटोनिया के बीच में ये कुछ अरेलिया का प्लांट एक रख दिया, तो ये बहुत सुंदर लुक लग रहा है इसी रख के भी, तो इसका लुक बहुत प्यारा सा आ रहा है।
और यहाँ देखिए ये जैस्मिन है, छोटा प्लांट है लेकिन स्टार जैस्मिन कितना खूबसूरत। अब ये खिलेगी, अभी मेरी ये पूरा नहीं खिलाई और अभी इतना बड़ा ये मैंने गमला दिया है इसको, और ये एकदम ग्रीन रहता है, डार्क ग्रीन, और ये घना रहता है बूशी, कितना प्यारा सा है, बड़ा खूबसूरत है। इस पर खूब सारे फूल अभी खिलने वाले हैं, ये बड्स बहुत सारी बनी हुई, तो एकदम ये वाइट होगा, ग्रीन पे वाइट बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैंने ये सब दिखा दिया है आपको, तो कुछ मेरे इधर भी है, ये देखिए ये और ड्रेसिना का है ये बारीक पत्ती वाला, और यहाँ पे ये भी रखा है प्लांट, बहुत स्कूल लता जो बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरे इधर सीढ़ियों में रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो ये देखिए काफ़ी सारे हैं, इंडोर प्लांट है ये सब मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हैं, और ऊपर छोटे छोटे रखे रहती हूँ मैं। और इधर ये देखिए ये भी लटका हुआ है, ये बेबी सनरोज जो होता है, बेबी सनरोज मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है जगह जगह, और कितना सारा। और ये इंग्लिश आईवी का बास्केट है, तो ये देखिए और एक बास्केट यहाँ ये है, ये मैंने कितना बार दिखाई होगी, ऐसी बोल का रूप लिया हुआ है इसने, बहुत सुंदर, ये देखिए तो ये बहुत सुंदर लगती है। अब मैं इधर आ जाती हूँ, थोड़ा सा अभी धूप भी हो रही है और बादल भी हो रहे हैं, तो ये देखिए कुछ मैंने ये 100 प्लांट भी रखे हैं यहाँ पर, और ये कुछ फूलों के भी रखे हैं, और यहाँ धूप है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस मैं अंदाज से आपको ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये गुलदुपैरी जिसे 9 o'clock भी बोलते हैं, और ये देखो ये उफा प्लांट है, तो इस पर बारीक बारीक फूल बहुत ही छोटा छोटा खूबसूरत लगता है, तो मैंने ये बाउंड्री सी है यहाँ पे रखे हुए हैं सारे प्लांट, और ये नीचे के और ऊपर दोनों जगह रखे हुए हैं ये देखो। और फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, देखो ये भी जगह जगह मैंने रखे हुए हैं पर्सनल के, जगह कहीं छूटी नहीं है, सब जगह जरा सी भी जगह कहीं मिली मुझे वहाँ पे सब जगह प्लांट मिलेगा मेरे पास, और यहाँ नीचे और यहाँ भी ऊपर भी, ये भी छोटी सी जगह है और यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है, ये देखो कितना सारा है। और ये सीढ़ी है ऊपर की मेरी, तो इसमें भी मैंने सारे में बहुत सारा प्लांट लगाया हुआ है अलग अलग, देखो कितना सारा, तो ये देखो ऐसे ही मैंने एडजस्ट किया हुआ है सभी को, सभी प्लांट को। ये पुदीना है, पुदीना में हार्वेस्ट कटती रहती, जितना मुझे चाहिए होता मैं उतना ले लेती हूँ। और ये देखो ये कमल भी लगा हुआ है इसमें, और इसी में मैंने पानी में डाला हुआ है ये पुदीना, तो ये बहुत अच्छा चल रहा था बीच में, तो हम खाते रहते इसको तोड़ तोड़ के। और ये काफ़ी सारे प्लांट मेरे ये लगे हुए हैं, तो ये देखिए मैंने इतने सारे प्लांट आपको दिखाए हैं। और ये देखिए ये जरा सी ये स्टील का यहाँ रेलिंग है, तो ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी सी जगह मुझे दिखाई दी, तो मैंने यहाँ पे भी ये गमले रखे हुए हैं, देखो जरा सी छोटी सी इतनी सी जगह है बची हुई, तो मैंने रेलिंग के बगल में इधर इस साइड में बाहर साइड में, तो यहाँ भी गमले रखे हुए हैं देखो अलग अलग, तो ये भी खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। और एक साइड इधर भी दे रखी है मैंने, अलग अलग दे रखा सब जगह। तो ये देखिए मैंने छोटी सी जगह में आपको कितना सारा प्लांट दिखाया है, 400 गमले से कम नहीं है, ज़्यादा बेशक हो सकते हैं, तो मैंने इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे गमले रखे हैं। और ये मेरी एक ही साइड है बस, और अलग अलग रखे हैं मेरे 2-3 बालकोनी है, बहुत सारी अलग अलग हैं, गैलरी है और पीछे की साइड है, बहुत सारे हैं, तो उनमें भी मैंने एडजस्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको इधर ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा प्लांट मेरे इधर पर ही हैं, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि छोटी सी जगह में हम कितने सारे प्लांट रख सकते हैं, तो इस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं प्लांट को, छोटी सी जगह में भी बहुत सारे प्लांट आप रख सकते हैं, अगर हमें सभी तरह के प्लांट चाहिए तो हम रख सकते हैं। तो ये देखिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।